हाय फ्रेंड्स, हेलो। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले, सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पेंसिल्स, मेजरिंग जार्स, रोड रोलर्स एंड गैस सिलेंडर्स एक्सेट्रा आर सेड टू बी अ सिलेंड्रिकल शेप। ये सारी चीज़ें क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में रहती है। जैसे कि हमारा पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारे सिलेंड्रिकल शेप में हैं। पार्ट्स क्या क्या हैं सिलेंडर के, सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। सिलेंडर हैज़ टू कर्व एजेस C1 एंड C2। इसमें क्या बोला है, दो कर्व्ड एजेस होती हैं जिसको हम C1 और C2 हमने नाम दिया हो। जैसे कि ये इसमें बोल रहा है, ये जो है, ये तो सरफेस हो गया अंदर वाला, और जो बाहर वाली लाइन है ये क्या हो गई, इसकी कर्व एज हो गई। इसी तरह से ये C2, ये जो गोल लाइन है, ये कर्व एज C2 हो गई। इस तरह से क्या बोल रहा है नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है, सिलेंडर हैज वन कर्व फेस एंड टू फ्लैट फेसेस F1 एंड टू। एक कर्व फेस होता है ये बीच वाला पार्ट पूरा, और दो फ्लैट फेसेस होते हैं F1 और F2। इस तरह से इसमें इतने पार्ट हो गए। नेक्स्ट है कोन क्या होता है। कोन में ऑब्जेक्ट सच एज आइसक्रीम कोन, अ कोनिकल टेंट, अ कोनिकल वेसल, अ क्लाउन्स कैप एक्सेट्रा आर इन द शेप ऑफ अ कोन। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जो बर्थडे कैप होती है वो एग्जांपल ऑफ कोन है। आइसक्रीम की कोन होती है, वो कोन का ही एग्जांपल है। इसके पार्ट्स क्या क्या हो गए कोन के, कोन में एक वर्टेक्स होता है दिस। नेक्स्ट क्या बोला है, कोन हैज़ वन कर्व एज, एक कर्व एज होती है ये जो ये वाली लाइन है। उसका कोन हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड वन फ्लैट फेस, एक कर्व फेस होता है ये वाला और एक फ्लैट फेस होता है ये वाला। ये हो गया कोन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द शेप ऑफ अ बॉल इज सेड टू हैव द शेप ऑफ अ स्फीयर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बॉल के शेप में होता है, बॉल देखा ना वैसा शेप का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। स्फीयर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है, कोई एज नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक कर्व फेस होता है दिस। गाइज यहाँ पे ये तीन चार कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके पार्ट्स हैं, फिगर है जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, और आगे फिर इनका जो भी यूज़ होगा क्वेश्चंस में और अदर थ्योरम्स वगैरह में, वो हम समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।